जो आप सुनाए, अल्हम्दुलिल्लाह गुड मॉर्निंग। मैंने आपके लिए ऊपर लगवाया था, मुझे पता चला आप यहाँ शिफ्ट हो गए। भाई मैं रोजाना कौन ऊपर जाके चढ़े चढ़े, तो मैंने उनको बोला कि नहीं आप मुझे यहीं पे करवा दें नीचे ही। बिल्कुल ठीक, आप बताएं मजे में हो? शुक्र ठीक। अब नाइट 2 बजे से 11 बजे तक। हाँ वापिस कब आएंगी? अब मैं, हमने वो कहा था ना अंजा का नंबर, हाँ वो मुझे मिल गया था। सो सॉरी, मैं बहुत बुरी रिप्लाई करने में और फोन उठाने मैंने really पता नहीं कहाँ घूमूंगी, मुझे मिल गया था। हो गया मैं समझ गई थी आप कमरे में आई तो मुझे आइडिया हो गया था। मैंने कहा यार देखो इतना लोग पसंद करते हैं कसम से, और क्या आप इतने अच्छे, आप कमरे में बहुत अच्छी। थैंक यू आप भी बहुत प्यारी हैं, कमरे में बहुत अच्छी नहीं है। थैंक्स, ठीक हो गया? ठीक है, चले बाय, रखिए, हैव फन, बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अच्छा ये क्या, यू वर क्या, तो कहाँ पे थे हम पता नहीं क्या हो रहा। सलाम दुआ और एक अच्छा कांटेक्ट रहता, बिकॉज मुझे मेरी बड़ी पिक्चर्स एडिट करके देते हैं, चाहे वो 14 अगस्त के हवाले से है वैसे भी, और कभी क्या किसी करवानी भी होती है तो मैं इनसे कह के बनवा लेते हैं पिक्चर, सो वो भी एक कोई बड़ी वाली बात नहीं होती। अच्छा चाहे वो 14 अगस्त के हवाले से है, मेरा नाम लें प्लीज, नबील, यामीन, फारूक शाह, हाय अब्दुल हक। अब्दुल हक ने जो मुझे लिखा है ये मैं नहीं बोल सकती, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ भी नहीं बोल सकती, बस आपको जो अच्छा लगता है आप उसे सपोर्ट करने में जान। व्हाट्स योर मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट इन लाइफ? अब्दुल हनान शाहिद, मेरी जिंदगी में इम्पोर्टेंट लम्हा वो था जब मैंने उमरा अदा किया, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी, और मैं इतनी खुश थी। और लोग कहते हैं खाने काबा का गिलाफ या खाने काबा को जब आप पहली बार देखें, जैसे आपकी नजर पड़े तो फौरन दुआ मांग लेनी चाहिए, वो कबूल होती है। और मैं भी बस अभी मुझे था कि ओ माय गॉड, मेरी दिल की धड़कने बिल्कुल बंद हुई थी, और मैं जैसी देखने लगी और मैं दुआ मांगने लगी कि इतनी में एक लड़की आ गई, वो कहने लगी कि जी प्लीज फोटो ले लें, तो मैंने कहा जी ठीक है आप ये भी ठीक है, बट यू नो व्हाट, बातें आप बहुत करते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, जब आप वहां पे जाते हैं ना तो वहां सब भूल जाते हैं, अपना आप भूल जाते हैं यार। अच्छा हमाद मलिक, व्हेन यू गेटिंग मैरिड? सून इंशाल्लाह, जल्दी, मुझे कोई लड़का नहीं समझ आता यार, मगर जल्दी। अच्छा नीलम, मेरा कमेंट्स आपको नजर नहीं आ रहे हैं क्या? जेम्स खान, बिल्कुल आ रहे नजर। निंगोरा गर्ल ऑन फायर मंसूर शाह, अच्छा जी प्रीटी नाइस, आपने उमरा किया है अभी नहीं आना है? मींस मैं समझी नहीं आपने क्या लिखा, अभी नहीं आना वर्ड? अच्छा, और फैसल आफिदी, क्या मेरा कमेंट्स देख रहे हैं जी? बिल्कुल यासिर बख्तियार, व्हेन यू कमिंग चाहते हैं आप? न्यूज तो आप लोगों ने इनफैक्ट मुझे सुनानी है, मैं बच्चे किडनैप हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो आप निकले रोड पे बाहर। हेलो, मेरा कमेंट्स नजर आ रहा है आपको? मुझे अच्छा वैसे वाकई में ये बात समझ नहीं है, जो न्यूज पे चल रहा है कि ऐसा नहीं है, फेसबुक पे दिख रहे हैं कि इतने सारे बच्चे किडनैप हो रहे हैं, और कोई प्रोटेस्ट भी नहीं है, आई डोंट नो, फेसबुक पे कुछ है और न्यूज वाले कुछ बता रहे हैं, कुछ मिक्स एंड मैच है। वैसे मैं तो काफी सारी वीडियोस अपने पर्सनल अकाउंट पे भी शेयर की थी ताकि लोग जो है वो देख सके। ओके, नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। सो आई वाज सेइंग के चाहे बीमारी है, तकलीफ है, खुशी है, गम है, अच्छा है, बुरा है, सब अल्लाह की तरफ से, और आपने हर चीज में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, और कभी भी जो है ना डिसअपॉइंट नहीं होना, चाहे रिश्ते हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वक्त है गुजर जाना है पता भी नहीं चलना है। सो मैं अभी होटल में हूँ और बहुत सारा काम है जो कि करना है, कल से फिर बैक टू द रूटीन। अभी तक वो 14 अगस्त वाले नेल पेंट लगा हुआ है और आज वो मैं
एक जगह पे गई थी सिम लेने के लिए, तो मुझे कहने लगे कि आप अभी तक 14 अगस्त मना रहे हैं. तो मैंने कहा इतनी फुर्सत ही नहीं कि कहाँ कब नेल कलर कौन निकाले, बिल्कुल टाइम की शॉर्टेज है. सो एनीवेज मैं कह रही थी कि बिल्कुल भी अपसेट होने की जरूरत नहीं है लाइफ में. सबकी जिंदगी, अब हर कोई तो आपको अपनी लाइफ नहीं बता सकता कि क्या है, क्या चल रहा है, किस हिसाब से है. और बड़ा इंसान, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, ये सब क्या होते हैं, सिर्फ आपकी सोच और कुछ भी नहीं है. हम कुछ भी नहीं है लिटरली. अच्छा जी, मैसेजेस जाफर खान ने मुझे लिखा है, हाय स्वीट गर्ल. जी हाय. अच्छा सलमान मलिक मैडम, कोई अच्छा सा नेट लगवा लिया. आप सही बोल रहे हैं. मैं देखिए, हम रहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान में, एंड यहाँ पे आपको पता है जगह जगह जैमर्स भी लगे हुए होते हैं, तो जी उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा है. सो सॉरी. सो या मोहसिन अब्बासी, आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू. फहद जट, आई लाइक यू रियली रियली रियली, थैंक यू फहद. अच्छा कोई क्वेश्चन करें, चले ask me any question. How are you? I'm good. Mohammed Zaman, thank you so much. पश्तो में बोले ना जी, पश्तो में. मुझे एक एक्टर है, मुझे कहने लगे कि लगता है तुम्हारा पेज हो पेशावर वालों के लिए. सो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा पेज हो सब लोग के लिए. और मुझे किसने लिखा है, ये मोहम्मद नसीम संगा हाल दे खई, क्या हाल है. और फिर चले गए पाकिस्तान छोड़ के, और अब फिर वापस आ गए पाकिस्तान. कल परसों किसी की बर्थडे में तो मैंने इनके बड़े पोस्ट शोज देखे. बबलू जी हाय. अतिकुर रहमान, व्हाट्स योर फेवरेट कलर एंड व्हाट्स योर हॉबीज. आई लव ऑल लाइक ब्लैक, व्हाइट, बेज, दीज आर माय कलर. मुझे अच्छे लगते हैं. मैं रेड बिल्कुल नहीं पहनती, मैं ग्रीन बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल से. पिंक नो, मुश्किल है. अच्छा जी, जुल्फिकार जलान नीलम, कोई न्यू न्यूज देंगे आपको सून इंशाल्लाह. किस तरह की न्यूज चाहते हैं आप? न्यूज तो आप लोगों ने इनफैक्ट मुझे सुनानी है. मैं बच्चे किडनैप हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो आप निकले रोड पे बाहर. हेलो, मेरा कमेंट्स नजर आ रहा है आपको मुझे. अच्छा वैसे वाकई में ये बात समझ नहीं है, जो न्यूज पे चल रहा है कि ऐसा नहीं है. फेसबुक पे दिख रहे हैं कि इतने सारे बच्चे किडनैप हो रहे हैं, और कोई प्रोटेस्ट भी नहीं है. आई डोंट नो, फेसबुक पे कुछ है और न्यूज वाले कुछ बता रहे हैं, कुछ मिक्स एंड मैच है. वैसे मैं तो काफी सारी वीडियोस अपने पर्सनल अकाउंट पे भी शेयर की थी, ताकि लोग जो है वो देख सके. ओके ओके ओके, इतने सब. शौकत गुलाम असगर, हेलो पाकिस्तान, लव यू एंड हाउ आर यू. क्या हाल है आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, थैंक्स. जी बिल्कुल, मुझे काफी लोग बोलते हैं. मुझे अभी यहाँ पे भी इनफैक्ट लिखा है रेहाब बलोच ने कि जी मुझ जैसी उनकी गर्लफ्रेंड है, तो अच्छी बात है, नाइस. लड़कियां वैसे भी एक दूसरे से मिलती जुलती है, नहीं? अच्छा, आई विश अल्लाह मुझे जैसी बेटी दे. यू सो ब्यूटीफुल, थैंक यू हबीरा, थैंक्स. अब ये क्या है, फरीदा अली जोखियो ना. अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत अच्छी हैं. मेरी बेटी 18 ईयर की है, वो बिल्कुल आप जैसी दिखती है, बिल्कुल आपकी तरह तिल है, थैंक यू. मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात होगी कि आपको मेरे अंदर आपको एक माँ, एक बहन, और अभी तो गर्लफ्रेंड तो बड़ी इंग्लिश टाइप हो गई है ना. अब हम लोग बहुत आगे तक निकल गए. वैसे इंग्लिश से मुझे याद है, आज फ्लाइट पे कुछ लड़के लड़कियां थे, उन्होंने इतना शोर लगाया हुआ था, इतना शोर लगाया हुआ था. और जो उस चीज का उन्होंने हाल किया, वो तो आप फिर आपकी सोच है कि क्या